थैंक यू डॉक्टर, आज अगर आप नहीं होते तो शायद नहीं। अगर करना ही है तो आप अपनी वाइफ को कहिए, आज अगर वो नहीं होती शायद मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर पाता। दवाइयाँ तो ले आई हूँ। एंड बाय द वे, आदि कैसा है अभी? आदि अभी अच्छा है, उसे आईसीयू से निकालकर नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। Great. एक दिन आप उसे यहाँ पे रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे यहाँ से लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। लेकिन सच्ची, आज अगर आदि को कुछ हो गया होता तो ठीक है ना वो? थैंक गॉड। आप यहाँ क्यों? आप जाओ ना उसके पास अंदर। इनफैक्ट एक बार ना आप शगुन को भी फोन कर देना। एक्चुअली तुम चलो आदि से। रमन, क्या है कि सब लोग अगर एक साथ उसके पास अंदर होंगे तो उसको ठीक नहीं लगेगा ना। मम्मी जी वैसे भी काफी काफी परेशान है उसको लेके, मैं उनको भेजती हूँ अंदर। समझ। इतनी सुबह सुबह वहाँ तो रात होगी ना। इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ऐसे ही आपकी याद आ रही थी। यहाँ सब बहुत अच्छे, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ओ गॉड आदि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आदि प्लीज, प्रॉमिस मी तुम वापस ऐसा नहीं करोगे। सॉरी मम्मा, बट मॉम आप जानते जो आज आपकी बात समझ में। मॉम अब सही कहते थे, ये हमारा घर, इस पे सिर्फ हमारा हक। सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जिन पे मैं बहुत गुस्सा करता था, सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरे पापा हैं। आप देखना, अब हम अलग नहीं रहेंगे। आप, मैं, रूही, पापा, हम सब साथ में रहेंगे। वी आर अ फैमिली। आई प्रॉमिस यू मॉम, मैं ये करके रहूंगा। आजादी लेट जा, आराम से बेटा। ए दूध पी ले। ओ नीलू, ओ खोती ना इधर, ओ फिर सादा दूध ले आइए। आदि के वास्ते चॉकलेट शेक लेके आ। मुझे आदि से दूर ही रहना चाहिए, बस उसकी दादी और उसके पापा उससे लाड़ करें, यही बेहतर होगा। I'll have to maintain a distance. मैं दूध लेकर आती हूँ। पुत्र ऐसे रहने दे, अच्छा माता रानी तेरी रक्षा करेगी। हेलो जी मम्मी। क्या बात है? बहुत इंपॉर्टेंट है आदि, वन सेकंड। नजर उतार लो इसकी। और न्यू ईयर वाले दिन इसने सूट पहना था ना, कितना सोना लग रहा था, बिल्कुल राजकुमार। उसी दिन नजर लगी मेरे पुत्र को। अब आपकी ना लग जाए माँ, नजर उतार लो। और मेरी तो पहले लग दी है, प्यार करने वालों की तो लग दी, जब तो उतार रही हूँ मैं। चलो मम्मा बस करो, उसको आराम करने दो। चले दे उतर। हाँ जी, आराम करने दे, तू जा, मैं बैठी हूँ दीदी को। कंप्लीट रेस्ट ओके बेटा। चलो मैं भी चलता हूँ। सुनिए ना, अब प्लीज ऑफिस मत जाइए, मेरे पास रहिए प्लीज।
थाली में ना ज्यादा तेल मत डालना आज, उसकी स्टमक लाइनिंग ना अभी भी आधे की काफी कमजोर है, ठीक है? तेल नहीं सहन कर पाएगा। जी भाभी। और ये मैं दूध दे रही हूँ तुम्हें, ये दूध उसको देकर आओ, ठीक है? हाँ भाभी, मैं देख के आऊंगी। कल आते हैं रेशम। हाँ जी। आदि भाई आ गए? हाँ आ गए ना, जाओ जाके मिलके आओ। एक मिनट। आप यहाँ के लिए फ्रूट्स लेके जाना और उनको बोलना गेट वेल सून। इश्मा आप भी आ जाओ ना। खाना बना रही हूँ ना, मैं कैसे आ सकती हूँ? अच्छा गुड गर्ल। ओके इश्मा। गलती से क्या कुछ हो सकता था आदि के साथ, मैं मुझे बिल्कुल ठीक कह रही थी। I should have been careful, पर ध्यान नहीं थी। I'm very sorry. Really? तुम्हारी कोई गलती नहीं है शीता, तुमने कुछ नहीं किया। कुछ इसमें एक्सीडेंट, गलती किसी से भी हो सकती थी। होता है, गलती सबसे होती। सबसे अच्छी बात यह है कि आदि को कुछ नहीं हुआ। और चले? हाँ मतलब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे अक्सर जाता हूँ यूरोप। तुम कभी गए नहीं? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अचानक बस ऐसे ही मैं सोचा अगर दुबई नहीं जा सके तो यूरोप चलते हैं। चलोगी? तो यहाँ रोना बंद करो ना, बाकी का आधा यूरोप में रो लेना। जाके रोऊंगी क्यों, यहाँ वहाँ भी रुलाने वाले हो। तुम तो कहीं भी रो सकती हो, तुम जाके थोड़ी देखती। अच्छा सुन, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानो। वो आदि को लेकर ना कुछ ज्यादा ही बोलती, उनका पहला पोता है, मैं भी कुछ कम थोड़ी। कहते हैं बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन आदि इतने सालों मुझसे दूर रहा है, उसे कुछ भी होता है तो मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। पर कहते हैं ना, all's well that ends well. आदि ठीक ठाक है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तब जो उसे भूल जाओ, शकल सुधारो, ऐसी रोती शकल वालों को वीजा नहीं देते। आपको कैसा मिल गया था? क्योंकि मैं रोता नहीं रुलाता हूँ। आदि ना जितने प्यार से कहा कि ऑफिस मत जाओ, तो आई थिंक मैं भी जज्बात में बह गया। अच्छी बात है ना, आपको तो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। It's good. तुम आदि की असली माँ क्यों नहीं हो शीता?